क्या बागो बहार कालीन है बाबा, जरा मेरा बनाया हुआ कालीन तो देखो, वल्ला अजूबा रोजगार है। हाँ, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बाबा अब तो मैंने तुम्हारा सारा हुनर सीख लिया, अब तो मैं माहिर हो गया हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल माहिर हो गए हो, लेकिन बरखुरदार रफ्तार अभी कुछ सुस्त है। तो बाबा फिर इतना नफीस कालीन तो इतनी जल्दी में नहीं बन सकता ना। क्या जल्दी भाई, तुमने ये कालीन पूरे 4 महीने में बुना है, और अगर मैं होता तो 2.5 महीने में बुन लेता इसको। लो, 2.5 महीने में कैसे बुन लेते, तुम्हारी तो नजर भी कमजोर हो गई है अब। भाई इसीलिए तो मैंने बरखुरदार अपना सारा काम तुम्ही को सौंप दिया है, अब मेरा सब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो कर तो रहा हूँ, देखो कैसी कैसी अच्छी बुनत है इसकी, है ना। माशाल्लाह बहुत उम्दा है, जब इसकी सफाई करोगे ना तो ये और निखरेगा, खुद ब खुद रंग निखरेंगे, इसके चमक पैदा होगी। बाबा मैं चाहता हूँ, वैसे बाबा ये कालीन किसी शाही महल के लायक है कि नहीं। है, क्यों नहीं है। तो फिर मैं इसको किस बादशाह के महल में ले जाऊँ। नहीं, तुम्हें किसी बादशाह के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। इसी महीने में शहर मूसल में बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ शहजादी खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं, तुम उनके पास भेज देना। अच्छा। हाँ वैसे पता है बाबा, मैं ये चाहता हूँ ना कि इसके कम से कम मुझे 1,000 दिनार तो मिले। मिलेंगे क्यों नहीं, वहाँ रुपयों की रेल पेल है, दिनारों की बारिश होती है बारिश। बस ठीक है, मैं इसे मूसल के मेले में ले जाऊंगा, सारा मेला लूट लूंगा, और फिर वापसी पे बाबा 2 करके और कुछ कारीगर भी रख लेंगे। लेकिन मेरे लिए पश्मीनी भेड़ों की ऊन जरूर लाना। जरूर लाऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा। बल्कि मैं तो बाबा तुम्हारे लिए वो मुश्क और शहद भी लेके आऊंगा। और देखो, दीनार इमियानी में कस के बांधना और चौकस रहना, और मूसल की सब से बड़ी सराय में ठहरना। ठीक है, मूसल का मेला। कमबख्ता 3-3 जवार की रोटियां खा जाते हो। अरे अरे अरे, कोई भला काम करो, अच्छे बोने बनो। माँ मैं काम तो करता हूँ, नाक पीट रही है। अरे तुम्हें क्या पिटूंगी मैं, झाड़ू पीटो को। मैं तो खुद ही थक जाती हूँ। मैं झाड़ू ला दूँ, उसे पीट लो। घर बैठे रोटियां तोड़ते रहते हो, जाओ कुछ करो। मैं चाहती हूँ कोई मुहिम सर करो, कोई कारनामा करो। जब रात को घर लौटो तो मुझे अपने कारनामे सुनाकर सुलाओ। नालायको, तुम्हारी वजह से बस्ती में मुझे बदनाम कर दिया। कौन ताने देता है हमें बता माँ, हम तीनों भाई मिलकर उसकी खबर लेंगे, उसका कुछ उम्र निकाल देंगे। अरे चुप करो, कुछ काम करके दिखाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। पता भी है तुम्हें, तुम्हारा बाप पूनो का बादशाह था, उसका हुक्म आधी दुनिया पर चलता था। यूं ही नहीं, लोग उसे चट्टान हलावर खान कहते थे, सारी चट्टाने हिला दिया करता था। हम झूले हिला देते। अच्छा, वो जब बरगद के दरख्त पर तुमने झूला डाला ना, मैं आज उतार कर ले। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करना। वाह वाह वाह, हम दरख्त पर चढ़ के और आसमान से लटक कर झूला झूलेंगे। अरे झूलाता तुझे मैं झूलाती हूँ, जाओ दफा हो जाओ, चलो दफा हो जाओ, कुछ करो, कुछ काम करके आओ, कोई कारनामा करके आओ, रोटी पानी सब बंद। मूसल को हम भी जाएंगे, मूसल को हम भी जाएंगे, मूसल को हम भी जाएंगे मेले में, उछला मैं तो मूसल के मेले में। अरे मियां गधे, क्या बात है, क्या हो गया है? हाँ, ये तुम्हारी चाल क्यों सुस्त हो गई है?
पहले तो घोड़े की तरह भागा करता था, अब क्या हो गया है? वैसे ये भी ठीक है, बेचारा दुख सहता है, चुप रहता है, मुझे इसके आराम का ख्याल करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं जब मूसल के मेले से 1,000 दीनार लेकर आऊंगा ना, तो तेरे ऊपर चांदी का पालान डालूंगा और सोने की रस्सी डालूंगा, मैं तुम्हें शाही गधा बना दूंगा। हैं? अब तू ऐसा कर कि ये कौन लोग हैं? ये तो बोने हैं। चलो अच्छा मियां, अब तुम यहां आराम करो, मैं तुम्हारे लिए उस पहाड़ी से जाकर घास लेकर आता हूं। हैं? तुम थक गए हो ना, मैं खुद जाता हूं। ओ चला, मैं तो ये मेरा शिकार है। नहीं नहीं, ये मेरा शिकार है। हाँ, ये तुम दोनों का शिकार है, और मैं जो तुम दोनों में सियाना हूँ उसका कोई हक ही नहीं। पहले नजर मेरे इस पर पड़ी थी, फिर तुम दोनों ने इसे देखा। ओ भाई आराम से रहो, हिल हिला के नहीं, मिल मिला के फैसला कर लेते हैं। सुलत भाई, शिकार एक है, मिल मिला के तुम फैसला कर, चाहो तो फैसला हो सकता है, चाहो तो नहीं हो सकता है। वो कैसे? तुम दोनों लड़ो कुश्ती, जो जीतेगा शिकार उसका होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। फिर कूद पड़ो मैदान में, लगाओ कैंचियां। शाबाश, ये बात बस कर भाई, बस कर, मैं थक गया। मैं भी थक गया हूँ, थक कर चूर हो गया। अरे वो अदनान कहाँ गया? कहाँ गया अदनान? अदनान, अदनान, अरे इधर आ भाई, हमारा फैसला करा दो। ओए हमारा शिकार ले गया। हे यहाँ मेरा गधा अलहिमार, अरे ओ मेरे यार गधे। बोने चाचा, तुमने मेरा यहाँ गधा तो नहीं देखा? अरे भाई, तुमसे किसी ने अगर दगा किया है ना, हमें बताओ, हम उसका टीचा पाचा कर देंगे। बोने चाचा, मेरा गधा था, उस पर इतना बेशकीमत कालीन लदा हुआ था, मैं मूसल के मेले में जा रहा था उसे बेचने के लिए। अब मेरा गधा भूखा था, मैं उसके लिए घास देने गया, वापस आया हूँ, ना गधा है ना कालीन है, अब मैं क्या करूँ? अलहिमार, आजा मेरे यार। इधर से गया है, वो घर ही गया होगा। वो घर क्यों जाएगा, वो तो शिकार पर हाथ साफ कर रहा होगा। ये छोड़, अगर इसको गधा कालीन नहीं ना मिला, ये तो मर जाएगा यार। इसके लिए कुछ तरकीब सोच यार, किसी परी से कहते हैं। परी? लेकिन यहाँ कहाँ है पड़ी? वो तो शाह जिनात के महल में जश्न मनाने गई है। छोड़ यार, हम पेट किसी पड़ी से कम है नहीं, हम इसकी मदद करेंगे। ठीक है यार, कालीन गधा तो मुश्किल है। हाँ। यार कोई तरकीब सोच, सोच यार। मेरी अकल तो कुछ काम नहीं करती बेटे, अगर कोई कारनामा नहीं अंजाम देंगे तो घर कैसे जाएंगे? सोच सोच, तू भी सोच। आ गया कारनामा, समझ में आ गया। क्या आ गया? अरे कारनामा समझ में आ गया? ओहो, मैं समझे शायद गधा आ गया। ओ भाई, तुम्हारी किस्मत का सारा चमकने वाला है। कैसे बोने चाचा, कैसे, क्यों गधा मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, तुम इधर आके साथ खड़े हो जाओ। इधर साथ खड़ा हो जाओ। हाँ। क्या कर रही है, क्या क्या कर रहे हो? अरे क्या, ओ जोर मत, ओ मेरी आंटी, अरे अरे ये क्या कर रहे हो?
उठो मियाँ उठो, जमीन पे पहुंच गए। हाँ हाँ, वो देखो मियाँ, वो तुम्हारी मंजिल आ गई। किधर है चाचा? वो ये तो घर है। हाँ हाँ, अंदर चले जाओ। अंदर सुनहरी वादी है। अच्छा, समझे? वहां जाकर तुम सुनहरी घास इकट्ठी कर लो। फिर वो बाकी बातें बाद में बताएंगे, तुम जाओ। अच्छा, चला जाओ। हाँ हाँ, चले जाओ। चले जाओ चाचा, जाओ यार, चले जाओ। हाँ हाँ, जाओ। अंदर कोई आला बला ना हो। होगी। अच्छा, तो वो कहीं मुझे मार ना डाले तो मर जाना। यार ऐसी बातें ना करो, तो आगे मरा भाई यार। तुम ऐसा करो, ये पटका अपने साथ रखो। अच्छा। हाँ, इससे क्या करूँ? कोई बला भी तुम्हारे सामने आए, आला बला, ये पटका उसको मार देना। अच्छा। हाँ जियो चचा, जियो। तो बस मैं जा रहा हूँ। जाओ। सुनहरी घास लाएंगे, सुनहरी घास लाएंगे, सुनहरी घास लाएंगे। अरे यार, क्या कह रहा तू? मैं कह रहा हूँ ये घास तो ले ही आएगा। हाँ? तो फिर क्या करेंगे? उसका भी बंदोबस्त बाद में हो जाएगा, चल आ मेरे साथ। चल। अरे ये तो सचमुच सुनहरी घास है, ये उग रही है। ये किसने यहाँ काट के रखी है? चलो, जिसने भी काट के रखी है, मुझे क्या, मैं तो उठा के ले जाऊंगा। सचमुच सुनहरी घास है, इसकी तरफ तो देखा नहीं जा रहा, मैं ढेर सारी काट के ले जाऊंगा। मेरा शिकार खुद ही यहाँ आ गया है, मैं भी 10 दिन से भूखा हूँ। तभी तो तुम्हारे पाँव लड़खड़ा रहे हैं। मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं ना, जब मैं तुझे खाऊंगा तो मेरे पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही खाओगे? कौन हो तुम? अच्छा, मैं कौन हूँ? अभी तुझे पता चल जाएगा जब मैं तेरे बड़े बड़े लुक में खाऊंगा। नादान इंसान, ये शाह जिन्नात का बहुत बड़ा जंगल है, तुझे यहाँ आने की जुरत कैसे हुई? मुझे यहाँ बोनों ने भेजा है ताकि मैं तुझे नीस तो नाबूद कर दूँ। वो तो बड़े शरीर है वो। अच्छा, मैं तुझे यहाँ से खा लूँ? अच्छा, मुझे खाओगे? नहीं, करो। अब खा। गुदगुदी हो रही। मैं तुम्हें गुदगुदी की मार मारूंगा। गुदगुदी हो रही। ऐसी गुदगुदी हो रही, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। गायब हो गया ना? भाग गया। मैं तुम्हें खाऊंगा। किसमें ले जाऊं? हाँ, इसको खोल के इसी में डाल लेता हूँ। ठीक है। अरे सुनहरी घास ले चलो, सुनहरी घास, सुनहरी घास ले चलो, सुनहरी घास ले चलो, सुनहरी घास ले चलो, सुनहरी घास ले चलो, सुनहरी कालीन गधे वाला तो नहीं आया? क्या पता जिन्हें ना खा लिया हो। नहीं यार, वो बड़ी मुश्किलों से जान बचा के आया हूँ। हाँ, ये ले आया मैं सुनहरी घास, अब मैं खाना शुरू करूँ? खाना नहीं है। तुम ऐसा करो, इसको वो सामने उधर कोठरी में ले जाओ। क्यों? और इसको करगी में लगा कर ना, चरखी पे चलाया ना, और कालीन बुन जाएगा। लो लो, ये देखो, इसमें तो बड़ी देर लगेगी चाचा, 4 महीने। तू तो बुद्धू है। हाँ, हम बोने लोग चुटकी बजा कर काम कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर मैं करगी पे इसे लगा के चरखी घुमा देता हूँ। गाएंगे बल खाएंगे, गाएंगे गाएंगे गाएंगे, बादी बादी जाएंगे, गाएंगे बल खाएंगे, हम तो गीत गाएंगे, गाएंगे गाएंगे, हम तो गीत गाएंगे, बादी बादी जाएंगे, हम तो गीत गाएंगे, अपना दिल बहलाएंगे, गाएंगे बल खाएंगे, गाएंगे बल खाएंगे, हम तो गीत गाएंगे, हम तो गीत गाएंगे। बन गया, बन गया, बन गया, बन गया।
अरे सुनहरी कालीन बन गया। मैं तो कहता हूँ कि किसी मुल्क का कोई कारीगर भी इससे अच्छा कालीन वहाँ नहीं ला सकता। हाँ है? अब तुम हमारे साथ चलो। अच्छा मुसल चलते हैं। ठीक है। हाँ तो वहाँ उसके बाद मैं तुम्हें अपना मार्का दिखाऊंगा। चलो ठीक है चलो चलो उड़ना है। हाँ मूसल के मेले की जान है, इसकी ऊंची शान है। ये हुनरमंदी का लाजवाब नमूना है कदरदानो। आओ आओ कदरदानो, मेहरबानो, ये हुनरमंदी का लाजवाब नमूना है। इसकी 15 दिनार में 10 दिनार मेहरबानो कदरदानो, बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। ये हुनरमंदी का लाजवाब मूसल के मेले की जान है, इसकी ऊंची शान है। मेहरबानो, ये दुनिया में हुनरमंदी का लाजवाब नमूना है। आओ आओ मेहरबानो आओ। मुलाजा कीजिए शहजादा आलम। वाह सुभान अल्लाह, कितना उम्दा और कीमती कालीन है। हमने आज तक अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत कालीन नहीं देखा। वाकई हुजूर, ये कालीन तो नायाब है। शहजादा आलम, अगर ऐसा कालीन कोई मुझे ला दे तो मैं अपना कालीन उसे मुफ्त दे दूंगा। और अगर कोई इससे बढ़िया कालीन पेश करे तो? होश में आ, अकल की बात कर। तू बढ़िया कहता है, मैं कहता हूँ इस जैसा कि कालीन कोई ला दे तो मैं उसे मुफ्त दे दूंगा। हाँ हमारे ख्याल में ये ठीक कहता है, इस कालीन से बढ़िया कालीन तो हो ही नहीं सकता। और अगर कोई शख्स हमें इससे बढ़िया कालीन लाकर देगा तो हम उसे 1,000 दिनार इनाम देंगे। अच्छा हुजूर, तो फिर ये लीजिए, ये रहा सुनहरी कालीन। मेरा दावा है कि ऐसा अजीबोगरीब कालीन आपने कहीं नहीं देखा होगा। हाँ पकड़ो इसे। इसका कालीन इसको दे दे। तुम कहाँ से आ टपके ना उमरा दो क्या? ये हुजूर, ये चोटा मेरा कालीन लेकर भाग गया था, ये भी मेरा ही है। आप हुजूर, मेरा इनाम मुझे मिल गया है, अब आप ये दोनों कालीन खरीद लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, हमें तुम्हारे दोनों कालीन बहुत पसंद आए। थैलियां हमें दी जाएं। थैलियां दो। ये दोनों थैलियां तुम रख लो, इनमें 2,000 दिनार हैं। अच्छा जी। और ये तुम्हारा इनाम, हमने तुम्हारे दोनों कालीन खरीद लिए। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया हुजूर शहजादे आलम। आओ तुम्हें तुम्हारे शहर छोड़ दूं, नहीं तो ये अदनान फिर को चक्कर दे देगा। अरे चचा आप दोनों कितने अच्छे बोने हो, और ये बोना कितना खराब है। आओ चलो, ये कालीन हमारे साथ लाओ।